ये काम नहीं कर सकते, तो आपको पैसा निकालना और देना, डिपॉजिट और विथड्रॉल, चेक बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं स्ट्रिप, तो ये रिटेलर कीजिए। रिटेल के लिए यहाँ पे 1500 रुपये मांग रहा है, वो लोग फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनी बैंक के बारे में, जो SBI से ब्रांचेस आप देखे होंगे, वो ब्रांचेस लेने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। पूरा फाइल रिकॉर्ड रेडी करके भी बैंक के थ्रू अप्रूवल नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल कोरोना की वजह से रुक गया है। तो उसके अल्टरनेटिव 2-3 रास्ते हैं, ये मुझे पता है, 2 रास्ते आपको बताऊंगा। एक रास्ता है CSC थ्रू, CSC तो आप कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट में कर दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन में वगैरह सब स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। और CSC आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो DigiPay इंस्टॉल कर दीजिए। DigiPay में कुछ दिक्कत आ रही है अब, तो आपको DigiPay के भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। DigiPay के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, बैंक का जो डिपॉजिट होगा, विथड्रॉ होगा और बैलेंस इंक्वायरी होगा आप कर सकते हैं। और DigiPay भी आपको कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि जो अमाउंट लेके हमसे काम कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में स्पेस मनी इज द बेस्ट है, क्योंकि पिछले छः महीने से मैं स्पेस मनी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी नए आए हैं, तो बैंक से मैक्सिमम काम स्पेस मनी से हो जाता है, सिर्फ एक ही काम रुका हुआ आता है, वो अकाउंट ओपन करना। जो मिनी ब्रांच में जो SBI का अकाउंट या मिनी बैंक जो भी है, ACICI, HDFC है, इसके अंदर अकाउंट खोलने का ऑप्शन रहता है, लेकिन इसके अंदर स्पाइस मनी में ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बाहरी के जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हैं। और SBI से जो मिनी बैंक से एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, SBI जो भी आप मिनी ब्रांच ले रहे हैं तो उसके अंदर जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो उसके अंदर मंथली 160 रुपीज कुछ काट रहा है, पर्टिकुलर नहीं मालूम, लेकिन एक कस्टमर के पास मैं देखा था मंथली 160 रुपीज काट रहे हैं जो अकाउंट से अपने आप। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसके इस झंझट में गिरने से अच्छा है कि आप प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं। 1500 रुपया डिपॉजिट मांगेगा स्वाइस मनी, और डिपॉजिट अमाउंट करके, एक बार डिपॉजिट अमाउंट करके आप ले लेंगे तो सही रहेगा, आपके पास बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगी, प्रिंटआउट भी आ जाएगा, आप मोबाइल से भी देख सकते हैं, और सिस्टम रहेगा तो आपके पास सिस्टम से भी देख सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो वैलेट में बैलेंस रहेगा वो अपने अकाउंट में भी भिजवा ले सकते हैं, बहुत कम खर्चा में हो जाएगा। एक बार आपको डिपॉजिट करना रहता है तो एक बार अकाउंट ओपन करने के लिए 1500 कुछ मांगेगा, और जो सर्विसेज हैं उसके लिए कुछ चार्जेस करेगा, तो वो पे करने बाद आपको सर्विस प्रोवाइड कर जाएगी, और एजेंट आईडी और लॉगिन और आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू आपको काम करना है। तो इसके अंदर छोटे मोटे दिक्कतें हैं, वो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। जो अकाउंट में जो अमाउंट कटता है कस्टमर का, वो अपने वैलेट में भी नहीं आता है, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में जो अमाउंट कटे बताता है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कस्टमर का अमाउंट जब कट होता है आपके वैलेट में नहीं आता है, तो जो कस्टमर का अकाउंट जो बैंक में होता है उसका जो लिंक देते हैं, और ये स्पाइस मनी जो भी कंपनी से बात करते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू अच्छा सपोर्ट करते हैं, और व्हाट्सएप में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे कंप्लीट कर देना है। और हम करने पर भी फिर भी वो लोग भी जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी अपने तरफ से कंप्लीट करके जो अमाउंट है 1 या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर उसके कस्टमर के अकाउंट में भी आ जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, इसका रिव्यू भी अच्छा है और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, तो आपको भी ये सपोर्ट मिल जाएगा। आपके गांव में या आपके मोहल्ले में कभी भी बैंक खोलना चाह रहे हैं, ब्रांचेस नहीं मिल रहा है SBI का, जो मिनी ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये बेहतर होगा, आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू भी, अच्छा खासा अमाउंट भी इससे भी कमा ले सकते हैं आप डेली का। आप एक कस्टमर के पास भी चार्जेस कर सकते हैं, एक कस्टमर के पास एग्जाम्पल के तौर से 5 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, आप फ्री में भी सर्विस दे सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अच्छा खासा कमा ले सकते हैं। और
जो SBI के ब्रांचेस में जो दिक्कतें आ रही हैं तभी तक तो ये चला के आप अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने कमाई को डबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कैसे ओपन करना है अकाउंट, कैसे ओपन करना है वो सब डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले छोटे से विनती करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, आखिरी में भी तो पूरा डिटेल मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपको यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। पहले आपको एक विनती करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट आखिरी तक देखिए, इसके अंदर एप्लीकेशन कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगा मैं। और आपको जो ICICI बैंक का और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके बारे में भी वीडियो बना के देना हूँ, आप सर्च करके देख ले सकते हैं। फिर चलिए फ्रेंड्स, चालू शुरू करते हैं। स्पाइस मनी पे भी जाते हैं। पहले मेरे पास बुकमार्क किया हूँ मैं स्पाइस मनी, B2B स्पाइस मनी, स्पाइस सफर .com होगा, आपके पास भी ऐसे डाल सकते हैं वरना आप डायरेक्ट सर्च करते हैं स्पाइस। क्या आ गया, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट स्पाइस मनी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ पे आपके पास एंटर आया डायरेक्ट लॉगिन पेज आ जाएगी, तो आपके पास एजेंट आईडी और पासवर्ड नहीं है आपको लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैनास यहाँ पे जो बटन दिया है लेफ्ट साइड में, ये जैनास के क्लिक कर देंगे। इसके अंदर काम करने पे ये इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी होगा तो हिंदी और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं आप। आपका फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम भी एंटर कर दिए, और ईमेल आईडी आपके जो शॉप होगी आपका ईमेल आईडी शॉप की आईडी डाल दीजिए। आपको मेल भी आएगा वो कंपनी की तरफ से, आपको मेल चेक करते रहिए हमेशा। और मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। मोबाइल नंबर से क्या होता है, वो लोग फोन करेंगे आपको, जो एजेंट होगा स्पाइस मनी का वो फोन करके आपको वो सब डिटेल्स मांगेंगे, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं और पिन कोड भी एंटर कर लेना है, और स्टेट अगर आ जाएगा पैन कार्ड एंटर करना है, आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड का डिटेल्स एंटर कर दीजिए, पैन कार्ड नंबर। एड्रेस को भी दे देना है आपको, आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड नंबर देना है, और अपलोड पैन कार्ड और अपलोड एड्रेस को दोनों भी अपलोड कर लेना है आपको, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों भी, जो डिटेल्स एड्रेस के लिए दे चुके हैं उसको भी अपलोड करना है। आधार कार्ड भी एंटर कर लेता हूँ, और फोटोग्राफी कर लेना है, ये स्कैन करके आपको रख लेना है और कम के BPS में रखना है आपको। इसके अंदर पूछेगा आपको रिटेलर और IRCTC जो रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं उसका भी आपको मिल जाएगा, और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर यानी आपके नीचे जैसे स्पेस मनी के जो हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट को आप ऐड करोगे जाके तो उसका भी कमीशन अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। ये काम नहीं कर सकते तो आपको पैसा निकालना और देना, डिपॉजिट और विथड्रॉल चेक बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं सिर्फ, तो ये रिटेलर कीजिए। रिटेल के लिए यहाँ पे
1500 रुपये मांग रहा है, वो लोग फोन करेंगे, फोन करने के बाद वो लोग अकाउंट नंबर दे देंगे व्हाट्सएप या ये व्हाट्सएप पे, और अकाउंट नंबर पे आपको ये 1500 रुपये डिपॉजिट करना है और रिसिप्ट भिजा देना है, शेयर करना है उनको व्हाट्सएप पे, और आपकी आईडी रेडी होके वो लोग दे देंगे। मैं सबमिट कर लेता हूँ, मैं पहले से ही कर चुका हूँ, इसलिए मेरा सबमिट होने पर भी बता देगा कि ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हैं। सेम काम हो रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी जब SBI के ब्रांच मिलेगा आपको मिनी बैंक, उसमें भी सेम अमाउंट कट रहा है, जैसे कि आप 10,000 डिपॉजिट करने पर 50 रुपया कट रहा है, सेम इसी के अंदर भी सेम अमाउंट ले सकते हैं आप। तो इसके अंदर छोटा सा एक काम करना होगा, आप डिपॉजिट कस्टमर के अकाउंट में कर रहे हैं तो इसके अंदर जो डिपॉजिट ऑप्शन है इसके थ्रू मत करना, इसके थ्रू करेंगे तो ज़्यादा कमीशन नहीं आएगा आपको, कस्टमर पे भी ज़्यादा पैसा कटेगा, यानी 1000 का 10 रुपया कटेगा और 5 रुपया आपको आएगा, 5 रुपया वो कंपनी को जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लो, उसके बाद आप कस्टमर को डायरेक्ट SBI, आपके पास SBI होगा तो उसके अंदर तो चार्जेस नहीं होंगे, तो ऐसे करने पर आपको सेविंग भी ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ आप अकाउंट एक ही नहीं खोल सकते, भाई का काम सेम टू सेम करते हैं। इसके अंदर अभी मिनी स्टेटमेंट में आया है, तो ये स्पाइस मनी में एक छोटी सी दिक्कत थी, उसके बारे में मैं वीडियो भी बना के अपलोड कर चुका हूँ, जो कि अब थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो अमाउंट कस्टमर के पास जब नेटवर्क कुछ एरर आएगा तो आपके वो कस्टमर के पास अमाउंट जो विथड्रा कर रहे हैं वो कट हो जाएगा, लेकिन अपने पास वॉलेट में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बैंक को यहाँ पे ऑलरेडी देगा तो जो लिंक देता है वो बैंक को कंप्लीट कर ले सकते हैं और कस्टमर के रिक्वेस्ट करके रुका सकते हैं, 2 या 3 दिन में आ जाएगा आपको पैसा रिटर्न कस्टमर के अकाउंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हैं, ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आईडी, यहाँ पे मेरा जो आईडी है वो आईडी बता रहा है, तो ये सबमिट कर देना है। अब सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको कस्टमर से फ़ोन आएगा और उस वो पैसे को डिपॉजिट करने मांगेगा, वो पैसे डिपॉजिट करने के बाद व्हाट्सएप पे आप भिजा देंगे स्क्रीनशॉट, तो आपको आईडी बना के डिटेल्स में भिजा देगा आपको आईडी हो अगर, तो आप आईडी लॉगिन, मेरे पास आईडी है तो आपको लॉगिन भी करके बता देता हूँ, एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। अब OTP आएगा, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपका वो मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर कर लेना आपको। देखो फ्रेंड्स, लॉगिन हो गया है और वेलकम पेज आ गया है मुझको। यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स है अकाउंट के अंदर, अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है, अकाउंट आपके अकाउंट प्रोफाइल और ये सब कुछ बता देगा आपको, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, आप चेक कर ले सकते हैं पहली बार होंगे तो अकाउंट के बारे में वगैरह। इसके अंदर भी जो भी दिक्कत आएंगे आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो बना सकता हूं। तो और ये यहां पे ये EPS, इसके अंदर सब काम होता है आपका। तो यहां पे ओपन कर लेने पर न्यू विंडो ओपन होता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन और मोटो बैंक कमीशन सब कुछ हो जाता है। तो इसके अंदर बैंक सेटिंग उधर से नहीं होता है, तो अपन को बैंक सेटिंग कर लेना होता है। यहाँ पे मोटो बैंक जो है उसके अंदर जाएंगे तो पहली बार जो है यहाँ बैंक अकाउंट नहीं बताएगा, ऐड टू बैंक बताएगा, तो यहाँ पे बैंक सेटिंग में जाना है। बैंक सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट प्रेस करके सेम जो आप डिटेल दे चुके हैं जो एप्लीकेशन के लिए, वही डिटेल जो बैंक मैच होना चाहिए वरना रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं इतना ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ, बहुत सारा डेली का इसी के अंदर करता हूँ मैं। और हम जाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट योर सर्विस, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट, कैश विथड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट योर डिवाइस टाइप, ये मंत्रा मार्को सब डिवाइस को सेलेक्ट करेगा, और मोबाइल नंबर जरूरी है कस्टमर का, अगर मोबाइल नंबर कस्टमर का नहीं दे पा रहे हैं तो आपका भी एंटर कर ले सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही है कि आप प्रिंट दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपके नंबर से, क्योंकि जब निकालने पर आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैसेज जाने पर आपको 0.12 पैसा कटेगा, 12 पैसा आपके वैलेट से कट जाएगा, तो आप
बैलेंस इंक्वायरी के लिए कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको सिर्फ रिसिप्ट दे देना है, जो प्रिंट निकाल प्रिंट आउट निकाल के दे दे सकते हैं। उसके लिए हम आपका नंबर एंटर कर ले सकते हैं, जो कस्टमर जो नंबर दे रहा है तो उसका नंबर एंटर करके आपको उसको कस्टमर को मैसेज भिजा सकते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है और जितना भी अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट है 10,000, मिनिमम अमाउंट है 100 के अंदर, कितना भी निकाल सकते हैं हम एक दिन के लिए। और SBI का जो एक रूल है कि आप एक दिन में एक ही बार अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट एक बार एक दिन में एक ही बार लगा सकते हैं और महीने में चार बार लगा सकते हैं, बस इसके सिवा आप अमाउंट ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। यानी हम SBI से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो इंक्वायरी नहीं करना है, इंक्वायरी करेंगे तो भी फिर बायोमेट्रिक काउंट हो जाएगा और बैलेंस निकालेंगे तो भी बायोमेट्रिक काउंट हो जाएगा। आपको एक दिन में 10,000 निकलेगा और कम से कम मिनिमम अमाउंट है वो 100 रुपया निकलेगा और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10,000 तक निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है, सब भी मैक्सिमम पूरे बैंक आ जाएंगे आपको, इंडिया के मैक्सिमम जितने भी बड़े छोटे बैंक है वो सब मिल जाएंगे। आप स्टेट लेवल के हैं और नेशनल लेवल के भी आपको बैंक मिल जाएंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन करना है, आपको फिंगरप्रिंट मेरे पास मार्क है, आपके पास जो भी होगा वहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिवाइस सेटिंग्स यहाँ पे जाके आपको, यदि मेरा मार्को है, मार्को रजिस्टर है, तो आपके पास जो भी होगा वो यहाँ पे चेक कर लेना है। आप पहली बार कर रहे हैं तो डिवाइस नहीं कनेक्ट हो रहा है तो बायोमेट्रिक यहाँ पे जो डिवाइस का गाइडेंस है वो आप क्लिक करके डाउनलोड कर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सब कुछ यहीं पे दे गया है, यहाँ पे जो आपको ड्राइवर चाहिए जो आपके डिवाइस के हैं सब कुछ यहाँ डाउनलोड करके दे गया है। उसका जो पासवर्ड है जिप फाइल में ओपन होता है, वो जेपैक में, तो ये जिप फाइल में, तो उसका पासवर्ड है स्पेस मनी, एंटर करने पर आपको ओपन हो जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आप इसके अंदर जो भी दिक्कत आती है उसकी दिक्कत का जो सोल्यूशन है वो यहीं पे दे देगा। माने कि आप डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिंक दे देगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे मेरा एंटर करके देखते हैं एक बार आधार कार्ड नंबर, अभी मैं डिवाइस नहीं लगा के रखा हूँ, फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं लगाया हूँ, तो इसका प्रॉब्लम क्या बताएगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्यूशन भी यहीं पे देगा और कस्टमर भी अच्छा रिस्पांस करते हैं, ये सर्विस भी अच्छे देते हैं और तुरंत व्हाट्सएप पे भी आपको चैटिंग करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एक दो बार दिक्कत आई है जो अमाउंट कटने वाला, वो भी सॉल्व हो गया, कस्टमर के अकाउंट में गिरा है और कस्टमर नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दिया हूँ, वो एक बार चेक कर लीजिए। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे जो कागज लिखा लिए हैं आपके, सिग्नेचर करा लेना है और 3 दिन के अंदर अमाउंट आपके उसके कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, तो वहाँ से आप फिर से उसी के पास से ले सकते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट डिवाइस मेरे पास नहीं है तो ये बोल रहा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में से कर लेंगे। और ये मंत्रा डिवाइस लगाया था मेरे पास, मार्को है लेकिन गलत लगाया था, फिर भी उसका एरर का सोल्यूशन बता रहा है क्या करना है। तो बहुत अच्छा सर्विस है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है जो इसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र मनी करने पर भी आपको कमीशन मिलेगा, ये विथड्रा करने पर भी अमाउंट मिलेगा आपको। कमीशन सेटिंग्स बताता हूँ, ये हो गया कमीशन। कमीशन का 2 प्लान रखते हैं हमेशा, महीना महीना चेंज करते हैं मंथली, तो आपको एक बार देख लेना है जितने अमाउंट निकाल रहे हैं उसके अंदर कितना कमीशन आ रहा है, उसके हिसाब से आप सेटिंग कर ले सकते हैं। आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा फ्रेंड, 3,000 से 8,000 तक निकालेंगे तो 7 रुपया निकल रहे हैं, 8,000 से 10 रुपया निकाल रहे हैं तो 8,000 से 10,000 निकाल रहे हैं तो 10 रुपया निकल रहा है फर्स्ट प्लान ये में करना। और प्लान बी में और 3,500 से 10,000 के अंदर 5 रुपये मिल रहा है। तो ये सेटिंग आप कर लेना है पहली बार कर रहे हैं तो, और बाकी का आपको सेम रहने देना है वो कर लेंगे। और ऐसे फ्रेंड्स अब SBI के पास जो अमाउंट निकालेंगे विथड्रा कैश और डिपॉजिट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको विथड्रा में कुछ अमाउंट नहीं कटेगा जो मिनी बैंक होगा, लेकिन डिपॉजिट में दूसरे अकाउंट में कराना है तो 1,000 का 5 रुपये कटेगा आपके अकाउंट से।
जैसे कि वो लोग मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप 10,000 देंगे तो उसके अंदर आपको नीचे आएगा कि चार्जेस, बैंक चार्जेस 50 रुपीज, वो काट देगा। अगर 20,000 करना है तो वो मतलब 10,000 के अंदर 50 रुपया कट के आपको डिपॉजिट हो जाएगा, और 20,000 डिपॉजिट करना है तो आपको 100 रुपया बैंक चार्जेस कट होके आपको 19,900 रुपया डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपको भी कस्टमर के पास चार्ज कर सकते हैं डिपॉजिट, वरना आप कंपटीशन ज़्यादा है आपके पास जो विलेज में और लोकल एरिया में, तो आप चार्ज भी नहीं भी कर सकते हैं तो बेहतर होगा। आप चार्ज भी करना चाह रहे हैं तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन देख समझ के करना चाहिए, और जो कस्टमर हमारा मुंह मोड़ ना जाए, और फ्री सर्विस देना चाह रहे हैं तो भी ये भी आपके हाथ में है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर इसके अंदर और कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको दिक्कतें पूरी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्पेस मैंने बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूं तो इसके बहुत अच्छा प्लान है, अच्छा कर रहे हैं। कम अमाउंट में भी आप ले सकते हैं, 1500 में आप ये सर्विस ले सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, फिनो ट्रांसफ़र, फिनो बैंक का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पे से हो गया, और चूज़ डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स ये इस बैंक वगैरह दे चुके हैं, इसके अंदर 1-2 लाख तक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसके थ्रू करना चाह रहे हैं स्पेस मनी के थ्रू, तो इसके अंदर अमाउंट भी कटेगा, आपको कस्टमर के पास ऑटोमेटिक चार्जेस भी गिर जाएंगे, और आपका कमीशन भी आपको हो जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्ज अगर जो चार्जेस है वो आपके वैलेट में कटेगा, तो कस्टमर के पास से एक्स्ट्रा चार्जेस लेना पड़ेगा। जैसे कि SBI में कस्टमर के पास कुछ पैसा नहीं मांगेंगे, जो 10,000 के ऊपर के चार्जेस 100-150 रुपये नहीं मांगेंगे, लेकिन 10,000 के अंदर कट के डिपॉजिट होंगे। तो स्पेस मनी में क्या ऑप्शन है, जितना डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना डिपॉजिट होगा, लेकिन चार्जेस जो भी होगा वो ऊपर से कलेक्ट करना पड़ेगा, ये अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि फ्रेंड अभी कस्टमर 10,000 डिपॉजिट करना चाह रहा है, लेकिन 50 रुपये कम डिपॉजिट हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि 10,000 डिपॉजिट हो और ऊपर ले लेंगे, तो ये बेहतर ऑप्शन है। आप एक बार चेक भी कर लेते सकते हैं, और आपको लगाने के लिए आपके शॉप में सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आपके शॉप में लगा भी सकते हैं, और इलीगली तरीका है आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सब सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे, इंग्लिश में कर लेना है, आपको ID कार्ड मिल जाएगा, सब कुछ जो लीगल के हैं वो सब मिल जाएगा, आप निकाल के आप प्रिंट आउट ले लेके शॉप में भी लगा सकते हैं, और DTH रिचार्ज भी हो जाएगा यहाँ से, और मोबाइल रिचार्ज भी अच्छा खासा हो रहा है फ्रेंड्स। मेरा एयरटेल आइडिया और जियो का तो अभी नहीं आया, लेकिन एयरटेल आइडिया तो अच्छे से हो रहे हैं, तो आप इससे रिचार्ज भी कर ले सकते हैं, और DTH रिचार्ज भी हो जा रहा है, और जो प्लान भी है वो पहले ही बता दे रहा है, जैसे कि DTH रिचार्ज कलेक्ट सेलेक्ट करने पर बता देगा आपको, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो सन डायरेक्ट कर लेंगे तो प्लान भी बता देता है, अमाउंट और मोबाइल नंबर को भी मैसेज चले जाता है मोबाइल कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने पर। और बहुत सारे सर्विसेज हैं, मैक्सिमम इसके अंदर एक रिचार्ज का और एक बैंक का और एक DTH रिचार्ज का, आपको 3 सर्विस मैक्सिमम काम आएंगे फ्रेंड्स, इसके इससे ही अच्छा खासा कमा ले सकते हैं। जैसे कि आपके गाँव में बैंक जाना दूरी है, तो ये आप ये सर्विस ले लेके आपको अच्छा खासा कमा सकते हैं। 1000 का 5 रुपया भी आप बैंक के तरीके से आप कलेक्ट करेंगे तो भी आपका अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है चाहता हूँ मैं, और आपको फ़ायदा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए होते सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।